Hey guys, welcome to another video of Airsoft Gun India. Airsoft Gun India के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है. और आज का जो मॉडल है दैट इज SNR 357, इसका बहुत ज्यादा डिमांड है. बहुत 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 ज्यादा. ये आउट ऑफ स्टॉक था बहुत दिनों से, नाउ इट इज इन स्टॉक राइट नाउ. तो बहुत से लोगों ने बोला कि इसकी फायरिंग वीडियो बनाइए. आपको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बट बिलीव मी, मुझे इससे ज्यादा बार बोला गया है. कमेंट में लोगों ने भर भर करके लिखा था. तो आप सभी के डिमांड पे आज इसका हम फायरिंग वीडियो बनाने वाले हैं. आपको दिखाने वाले हैं कि कितने राउंड्स फायर होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, कितना यूज होता है, उस सब के बारे में बात करने वाले हैं. बट उससे स्टार्ट होने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. लाइक करते हैं तो थोड़ा यार अच्छा रहता है ना, थोड़ा मुझे इंस्पिरेशन लगता है, थोड़ा मेहनत काम आया. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियोज आए तो आपको अपडेट मिल जाए. तो चलिए, ये है क्रॉसमैन का 357. ऐसे बॉक्स में आता है, बहुत ही कोई फैंसी बॉक्स में नहीं आता है. तो जब भी आप ये गन खरीदें, प्लीज थोड़े पैसे और खर्च लें और एक गन बॉक्स खरीद लीजिए. गन बॉक्स खरीदेंगे तो आपकी गन थोड़ी सेफ रहेगी. इसके अंदर कहां रखेंगे आप इतनी महंगी गन को, है ना. तो चलिए पहले मैं इसको निकाल देता हूं. आपके पास जितनी भी गन्स आएंगी वो ऐसे ही खुली हुई आएंगी. क्यों आएंगी खुली हुई, उसके दो तीन रीजंस हैं. एक तो हम उसको हर एक गन को, ईच गन जो है वो चेक होके आता है. तो जब भी आप कोई भी गन लेंगे तो उसके अंदर आपको CO2 वगैरह जो है आप देखोगे कि उसके अंदर यूज्ड हुआ होता है. क्यों, क्योंकि लास्ट थिंग वी वांट कि आप इतनी महंगी गन लें, आपको मूल्य और आप बोले कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, ये तो यूज हुआ ही नहीं, टेस्ट किया ही कि नहीं है. तो हम हर एक गन को टेस्ट करके भेजते हैं थॉरली, है ना, उसके बाद हम आपको भेजते हैं. तो इसका फुल रिव्यू वीडियो मैंने बना रखा है. इस पर हम लोग मेनली फायरिंग पे फोकस करेंगे. बट एज एन आइडिया आपको बता दें कि ये क्रॉसमैन का है, 357 क्रॉसमैन इसे बनाता है. इसके अंदर बीबी एज वेल एज पैलेट दोनों फायर हो जाते हैं. जब आप इसे खरीदते हैं तो आपको दूसरे गन के मुकाबले 6 सेल्स एक्स्ट्रा मिलते हैं. इसके अंदर आप बीबी भी फायर करिए और आप इसके अंदर पैलेट भी फायर करिए, जो कि बहुत ही यूनिक है. ये दिखने में डेनवेसन जैसा ही है सब कुछ, सब मैकेनिज्म उनका सेम है. ये भी ताइवान में बनता है तो मुझे लगता है कि ये सेम फैक्ट्री में बनता होगा. और सब कुछ बिल्कुल सेम ही है, आप ऊपर का सब कुछ सेम है, एक्सेप्ट कि इसके अंदर बीबी पैलेट दोनों फायर हो सकते हैं. तो ये बीबी है 0.177 का और ये पैलेट है 0.177 का. आपको पता है इंडिया में 0.177 एयरगन के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो चलिए पहले आपको बताते हैं कि इसके अंदर CO2 कैसे लोड करें. तो आप सभी को पता है जब भी आप गन खरीदें तो एक पेलगन ऑयल खरीद लें. ये एयरसॉफ्ट गन इंडिया का पेलगन ऑयल है. पेलगन ऑयल से क्या होता है, आपकी सीलिंग वीलिंग सब जो है ल्यूब्रिकेट हो जाता है. तो पहले क्या करना है, इसको स्लाइड बैक करना है. इसे थोड़ा सा आप इसके टैब को पीछे करिए, है ना. देन अंदर देखिए, अंदर एक पिन है. बकायदा होता यह है जब आप इसके अंदर CO2 लोड करते हैं तो उस पिन में जाकर के CO2 में छेद हो जाता है और इसके अंदर CO2 लोड हो जाता है. तो मेरे पास एक CO2 है. CO2 बेसिकली इसके अंदर कार्बन वार्बन जम जाता है. तो जब आपको मिलेगा तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल शाइनी हो सकता है इसके अंदर ऐसे ही कार्बन लगा हो. एनीवेज, आप क्या करते हैं, जब आप CO2 लेते हैं तो इसके ऊपर एक ड्रॉप अच्छा सा पेलगन ऑयल डाल दें. इससे क्या होगा, जब ये गन के अंदर जाएगा तो पूरा लुब्रिकेशन कर देगा. फिर आप इसके जो है इसके अंदर डालिए, ये अपने आप अपने जगह पे बैठ जाता है. गन को ऐसे रखिए, उसके बाद इसे घुमाना स्टार्ट करेंगे लाइक दिस. जब आप इसे घुमाएंगे एक टाइम के बाद ये आकर के लॉक हो जाएगा. अब आपको थोड़ा सा प्रेशर देना है लाइक दिस. आपको प्रेशर महसूस हो रहा है, देन आपको हल्का सा गैस निकलता महसूस होगा. आप देखेंगे उसके बाद मैंने हल्का सा टाइट किया है, उसके बाद टाइट नहीं करना है. कई लोग क्या करते हैं, जैसे घुमाया गैस निकलने लगता है वहीं छोड़ देते हैं. वहीं छोड़ेंगे, इसके अंदर सिर्फ 12 ग्राम गैस है, सारा बाहर निकल आएगा और आपकी गन चलेगा नहीं. और अगर आप इसको और टाइट कर देंगे पिन टूट जाएगा, पैसे बर्बाद. आप समझ लो कि ये गन बेकार हो जाएगा, है ना. बहुत से लोग बोलते हैं गन चलती खराब कर, खराब तो नहीं होता है बट अगर आप इसको तोड़ देंगे तो फिर तो उसका कोई उपाय नहीं ना. और इंडिया में आपको पता है रिपेयर भी नहीं होता है. तो वैसे अगर सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कुछ नहीं होता. ये लॉक हो गया, इसे आप बंद कर दें एंड नाउ यू आर रेडी टू यूज इट. ओपन करेंगे, इसे पुश किया, ओपन हो गया. ये सेल्स हैं इसके, ये बीबी वाले सेल्स हैं. तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसके अंदर बीबीस कैसे लोड करते हैं और पैलेट कैसे लोड करते हैं. पहले वी विल स्टार्ट विद बीबी और पैलेट. और आपको मैं बताने वाला हूं कि दोनों के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं. बीबी जो है वो थोड़ा सस्ता आता है ना, अगर आप पैलेट से कंपेयर करें
तो ये थोड़ा सस्ता आता है और ये थोड़ा ज़्यादा सॉलिड होता है क्योंकि ये राउंड है, तो उसके अंदर थोड़ा वजन भी है ना। और अगर आपको कोक कैन वगैरह इस्तेमाल करना है, आई डोंट नो फॉर सम रीजंस मुझे बीबी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि कुछ यू नो ऊपर नीचे, बट मुझे बीबी यू नो इनहेरिटेंटली पसंद है। आप देखेंगे तो बीबी पिस्टल्स वगैरह मैं इस्तेमाल करता हूँ। पैलेट जो है, आई डोंट नो फॉर सम रीजंस क्लाइंट्स को, बहुत से लोगों को पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उनको पसंद इसलिए होता है क्योंकि ये थोड़ा पॉइंटी टाइप का दिखता है, तो सबके अपने अपने रीजंस हैं। पैलेट जो है वो पीछे से लोड करते हैं लाइक दिस, तो आप इसके अंदर रखिए और यू इंसर्ट कर दीजिए। जब भी आप इसको इंसर्ट करें, ध्यान रखें कि आप इसके अंदर के रबड़ को ना काट दें, है ना। कई लोग जल्दी जल्दी के चक्कर में रबड़ काट देते हैं, और कई लोग क्या होते हैं इसको प्रॉपरली इंसर्ट नहीं करते, तो कई लोग क्या करेंगे यू डाल के छोड़ देंगे। बिल्कुल गलत है, बर्बाद। इसको पूरा पुश करिए बराबर। देखिए गाइस, ये जो गन्स हैं बहुत ज़्यादा हाईली प्राइज्ड हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। आप इसको इंडिया में कई गुना ज़्यादा प्राइस पे खरीदते हैं, और अगर आप इसको ढंग से नहीं रखेंगे, ढंग से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यू नो मुझे समझ में नहीं आता इसका फिर मतलब क्या बनता है। आई नो इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट अफोर्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आप इसको बहुत गंदे तरीके से रखें। तो जब भी आप इसे खरीदें, रखें इसको यू नो गन बॉक्स में रखें, तो चलिए हमारे पास सेल्स रेडी हैं। इसके अंदर पैलेट्स हैं, इसके अंदर बीबी हैं, दोनों को डालते हैं और फायर करके देखते हैं, एक CO2 से कितने पैलेट्स हम और बीबी फायर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं बीबी के सेल डाल रहा हूँ लाइक दिस, 6 सेल्स डाल दिए, लॉक कर दिया, और ऊपर मैंने बीबीस का बनाया है, तो ऊपर हम बीबीस फायर करेंगे, नीचे पैलेट्स फायर करेंगे। नाउ वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑसम, आप देख सकते हैं सारे एक जगह लगे हैं। एंड हम पेपर पे इसलिए फायर करते हैं ताकि ये बाउंस बैक ना करे, और पेपर पे इजिली छेद हो जाता है। अब हम पैलेट के सेल्स डाल रहे हैं इसके अंदर, और अब पैलेट जो है हम थोड़ा नीचे फायर करेंगे। नाउ वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देख सकते हैं आप नीचे हमने पैलेट फायर किया है और हमने 12 राउंड्स फायर कर दिया। इस पैलेट का एक फायदा यह है कि पैलेट एक तो सामने के साइड रखना है, और पैलेट जो है आप सेल्स को बिना बाहर लगाए निकाले भी इसके अंदर लोड कर सकते हैं। जनरली बीबी अगर आप लोड करना चाहेंगे तो आपको सेल्स बाहर निकालने पड़ेंगे, बट इसके अंदर आपको इजी लोडिंग है, आपको सेल्स को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपने फायर किया एंड आप डायरेक्टली जो है इसके अंदर सेल्स में पैलेट को डाल सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इजी है, थोड़ा सा अच्छा है। एंड यही एक रीज़न है कि बहुत से लोग इस तरह के पैलेट वाले जो है प्रिफर करते हैं, इसलिए थोड़ा ये महंगा भी है, बट यू नो इट मेक्स लाइफ ईजियर। इसके अंदर सेल्स लोडेड हैं, और चलिए फायर करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 18 राउंड्स फायर कर लें गाइस, दिस इज नेक्स्ट 6। वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। डाउन, अब नेक्स्ट 6। वॉच, अभी थोड़ा इस साइड मारेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप देख सकते हैं नीचे हमने फायर किया, 30 राउंड्स हो गए, 30 डन। नेक्स्ट वॉच, अभी हम इस साइड मारेंगे नीचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऑसम गाइस, हो गए हैं। अब नेक्स्ट 6 फायर करने वाले हैं। वॉच, अभी ऊपर के साइड फायर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 42 राउंड्स हो गए हैं। नेक्स्ट फायर, अब गाइस ऊपर साइड फायर करेंगे। वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 48 डाउन हो गया है। अभी हम 6 और डाल रहे हैं, और अब हम बीबी फायर करने वाले हैं थोड़ा। तो पहले हम अपर साइड फायर करेंगे। वॉच, 1, 2, 3, 4, 5, 6। Awesome. हो गए गाइस, अब 6 और फायर करने वाले हैं। अब इस साइड फायर करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 60 राउंड डन। अब और 6 फायर करते गाइस, 6 और फायर करते हैं। इस साइड हम नीचे फायर करेंगे बीबीज में, 1, 2, 3, 4,
66 डन, 66 हो गए गाइस। नेक्स्ट 6 राउंड वॉच, 1 2 3 4 5 6, 72 डन, 72 हो गए गाइस। नेक्स्ट 6 राउंड वॉच, 1 2 3 4 5 6, 78 हो गए गाइस। नेक्स्ट 6 राउंड वॉच, 1 2 3 4 5 6, 84 हो गए गाइस। नेक्स्ट 6 राउंड वॉच, 1 2 3 4 5 6, 90 राउंड्स, मतलब हमने 15 बार इसको लोड किया और फायर किया, 90 राउंड्स हो गए हैं। अब देखते हैं और कितना ही चलता है। हो गए गाइस, नेक्स्ट 6 राउंड वॉच, 1 2 3 4 5 6, 96 राउंड डाउन हो गए गाइस। 6 और बीबीस फायर करेंगे और गैस अगर बचेगा तो फिर हम फिर से पैलेट फायर करते हैं। वॉच, 1 2 3 4 5 6, 102 राउंड फायर हो गए हैं। अब चलिए थोड़े पैलेट फायर करें, 102 हो गए हैं गाइस। चलिए अब थोड़ा पैलेट फायर करते हैं और देखते हैं कितने और चल पाते हैं। वॉच, 1 2 3 4 5 6, 6 हमने फायर किया बट आई गेस इसका जो है गैस खत्म हो गया है। तो हमने रफली 108 राउंड फायर किए, तो आप लगा के चलिए कि आपको 100 राउंड के करीब मिल जाएगा, 90 से 100 राउंड तो आराम से मिल जाएगा, अगर कम भी मिला तो, टेम्परेचर अगर ठंडा रहा तो 90 से 108 राउंड आपको मिल सकते हैं। अब देख सकते हैं हमने यहाँ बीबी से फायर किया था, यहाँ हमने पैलेट से फायर किया था। राउंड्स बहुत स्कैटर्ड हैं, वो इसलिए हैं ताकि आपको दिख सके वीडियो में, नहीं तो सिर्फ एक ही जगह पे छेद होता तो आपको दिखता नहीं वीडियो में। काफ़ी एक्यूरेट है ये, हम पेपर पे इसलिए फायर करते हैं ताकि इसके अंदर छेद हो जाए तो अच्छा दिखने में लगता है। ये जो बीबीस हैं वैसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, आप इसको किसी मेटल पे फायर मत करिए, नहीं तो आपको बाउंस बैक करके लग सकता है, वो उसके अंदर छेद नहीं करेगा। लकड़ में भी ये छेद नहीं कर सकता है ना, पेपर पे निशान लगाने के लिए अच्छा है, लकड़ पे भी करेंगे तो आपके तरफ बाउंस बैक होगा, उसमें छेद वेद नहीं हो पाएगा। पेपर पे अच्छा है, कोक कैन वगैरह में छेद हो जाता है। सो जब भी इसको आप यूज़ करें सेफली इस्तेमाल करें। पेपर पे फायर करने का ये फ़ायदा है कि वो अंदर घुस जाता है, बाहर बाउंस बैक नहीं होता है। तो दैट्स इट गाइस, चलिए अब आगे देखते हैं। जैसा कि आपने देखा इसके अंदर हम रफली 108 राउंड हमने अभी फायर किया, बीबी स्प्रेड दोनों मिला करके। आखिरी के 6 राउंड में थोड़ा ये स्पीड स्लो हो गया था, तो आप लगा के चलिए आपको 90 से 100 राउंड तो मिल ही जाते हैं। अब इसका हम CO2 बाहर निकालेंगे, जब भी आप गन इस्तेमाल करें थोड़ा बहुत भी CO2 बचा हो प्लीज़ CO2 से इसको बाहर निकाल दें, इसके कैप्सूल को। आप CO2 लोड करके नहीं रखना चाहेंगे, आपके गन डैमेज हो सकता है। खोलना कैसे है, बड़े प्यार से इसको घुमाइए, देखा आपने थोड़ा CO2 बचा हुआ था, तो इसको बाहर निकाल करके डिस्पोज कर दीजिए। दोबारा से इसे लगा देना है लाइक दिस और इसे लॉक कर देना है, फिर इसे खोलना है लाइक दिस, इसके सेल को बाहर निकालना है और सेल्स को बड़े संभाल के रखना है गाइस, क्योंकि अगर आपका सेल घूम गया तो इंडिया में आपको सेल्स जो हैं वो मिलेंगे नहीं। तो 12 सेल्स हैं, इसको बड़े संभाल के रखिए, अगर बाई चांस इन फ्यूचर कभी मिला भी तो एक सेल आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो यू नो आप इसे घुमाना नहीं चाहेंगे। दूसरा, इसके ऊपर एक बहुत यूनिक चीज़ मैंने देखा, सारे गन्स के ऊपर यहाँ पे एक मार्किंग है, आई डोंट नो क्यों है कैसा है, बट ऐसा मार्किंग जो है आपको मिलेगा, ऑल दो ये दिखता नहीं है, तो मुझे वीडियो में दिखा तो मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। ऐसे ध्यान ऐसे देखेंगे तो नहीं दिखेगा, बट अगर उसको अलग एंगल से देखेंगे तो शायद दिख सकता है। और बाकी दैट्स इट, गन ये काफ़ी अच्छी है, यू नो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, डेनवेसन के स्टाइल में बनी हुई है, ताइवान में बना हुआ है, क्रॉसमैन कंपनी का है, 6 एक्स्ट्रा सेल्स मिलते हैं, काफ़ी पावरफुल है, आप देख सकते हैं। देखा है तो बीबीस में 400 FPS तक आपको मिल जाता है, एलॉय पैलेट में 495 FPS तक मिल जाता है, लेड पैलेट में 350 FPS तक मिलता है। 12 ग्राम का CO2 डलता है एंड इसका जो वेट है 870 ग्राम्स, आप लगा के चलो 870 ग्राम के करीब, तो 900 से थोड़ा सा कम है। बीबी पैलेट दोनों फायर होता है, क्रॉसमैन का है। तो दैट्स इट गाइस, अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो कैसे ऑर्डर करें, बहुत ईजी है, डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे airsoftgunindia.com, वहां जाकर के ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा एंड बी डिलीवर इट ऑल ओवर द कंट्री। सो गो
एन ऑर्डर राइट नाउ। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है, क्वेश्चन है, तो प्लीज हमें मेल करिए airsoftgunindia@gmail.com पे। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। टिल देन गाइस हैव फन।